पुरानी सहाबाद क्षेत्र के गांव माधो में बीती रात जमीन के विवाद को लेकर सगे भाइयों में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से गोली चलने से राजवीर को गोली लग गई। एक भाई राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गया, इसके उपचार के दौरान मौत हो गई। इसी दौरान आज सुबह गाँव के बाहर सड़क किनारे दूसरे भाई कैलाश का शव बना हुआ, इसके सीने पर गोली लगी हुई और शव के पास 315 बोर का तमंचा भी पड़ा हुआ था। क्या मामला है? दिनांक 19 अक्टूबर को थाना सावर के नगला माधो गांव में दो भाई राजवीर और कैलाश, इनके बीच पहले जमीन का बंटवारा पहले भी हो चुका था, लेकिन बीच में आपस में विवाद चल रहा था, जेवरात के बंटवारे को लेकर विवाद था। इसमें कल जेवरात की बात की लेकर विवाद हुआ इनको, इनके साथ में जो कैलाश के साथ में उसके ससुर प्रेम सिंह रहते हैं वो थे, और राजवीर का जो साला था वो बबलू वो भी कल आया हुआ था। इनमें आपस में झगड़ा हुआ और आपस में गोलीबाजी हुई, दोनों ने दोस्तों गोली मारी। इसमें राजवीर को गोली लगी थी, उसको रेफर किया गया था और रास्ते में लगा उसकी मृत्यु हो गई, और कैलाश की बॉडी कुछ ही दूर तक मिली है। दोनों की सबों को पंचायत नामा करके पोस्टमार्टम में भेजा गया है और इसे तहरी ली जा रही है कि आपसी संघर्ष से दोनों भाइयों का, क्योंकि जमीन के विवाद तो पहले बंटवारा हो चुका था लेकिन जेवरात को लेकर जो विवाद था वो संबंध में खड़ा हुआ। सब कल बताया था कि लाठी डंडे भी चले, उसके बाद जो है सूचना दी, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। इसमें जो है केवल इनका परिवार का विवाद था, बाहर का कोई और व्यक्ति नहीं था। गांव से सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा किया और कप्तान साहब द्वारा निष्क्रिय किया गया। इसमें सभी लोगों ने बताया गांव वाले कोई केवल परिवार के झगड़ा था, गांव वाले इसमें कोई शामिल नहीं था, ना ही लाठी डंडे की बात थी, केवल आपस में झगड़ा हुआ जिसमें इन्होंने एक दूसरे गोली मारी तभी घटना कार्य की। सब जिस चीज़ से उसमें गोली मारी क्या वो चीज़ बरामद हुई है? एक तमंचा बरामद हुआ है कैलाश की बॉडी के पास से, और जो दूसरा व्यक्ति है वो सभी एक तमंचा बरामद नहीं हुआ है और अभी इनकी तहरीर का इंतजार कर रहे हैं, तहरीर आते ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इस मामले में अभी किसी को कोई हिरासत में भी लिया गया है? अभी तहरीर कर रहे हैं लेकिन पूछताछ सब की जा रही है और लोगों से पूछताछ करके जो भी तहरीर आती है उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, अभी आगे विचना की जाएगी। क्या नाम है आपका? डोरीलाल। डोरीलाल जी, ये जो घटना हुई है क्या मामला है? ये सड़क पर ठाणे साहब हमारे राजवीरों को सारू और हम समझ रहे हैं और कुमारने के बालक आए जी, तो हाँ जी ट्रैक्टर लाओ जाओ ससुर और कैलाश जी, तो भाई एकदम लौटा जाए वो गाय गाली करो गाड़ी का ट्रैक्टर घिर रहे हो ब्याज ही बिना बात जी। अच्छा तो यहाँ की गाय जो रहे हुआ हम वहाँ पहुँचे जी, तो इतने पे यार कौड़िया भले ही पीने वाले जी, मेरे वाले कोड़िया भले ही कह रहा था मां गोली कर दे, तो ये बाल के दादा मेरा मरे हो, तो मेरे कोड़िया भले ही है और बाबलू गिरे पे मेरी कोड़िया भले ही भाई रुला गई और बाई मल रही जी, माने बबलू में बल रही जी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर जी गाड़ी मंगाई ले गए और जी भैया चले गए अपने। राजवीर में किसने गोली मारी थी? है मारी राजवीर में किसने गोली मारी था? कैलाश ने किसने क्या रखता है? तो एक बात बताओ क्या जो असला तुम मारो है काउ के तो वो लेके भाग जाओ बनो के छोड़ जाए वो वहाँ जी बताओ पहले। अब कैलाश की भी मौत हुई है, कैसे हुई है? अब ढेरों ठेर आया वो जी, तो मौत का आया बाद अपने आप मौत कर ली, बात सुनिए मरे वो भैया सोई बात अपनी मौत कर ली, अब मैं मत जाऊँ जनपद मैनपुरी के करहत में जेहल्लुम का जुलूस से बड़े ही भव्यता के साथ निकाला गया, जिसके बाद जेहल्लुम के जुलूस के अवसर पर माध्यमिक दो के आधार पर दोनों को बचा कर युवा फूटते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान जेहल्लुम के जुलूस में लगभग आधा दर्जन ताजिए शामिल थे। इस अवसर पर प्रशासन ने भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कल्चर में आज नगर के छोटे कमरिया स्थित ग्रीन पैलेस में दो दिवसीय इस्लामिक फिका अकेडमी ऑफ इंडिया नई दिल्ली तथा मदरसा दारुल उलूम मऊ के संयुक्त तत्वावधान में ऑल इंडिया सेमिनार हिंदुस्तान में इल्मे हदीस और मुमताज महुद्दीन के उनवान से सेमिनार का उद्घाटन हुआ। इस सेमिनार भारत में अपनी नवायत का पहला और मुफरिज सेमिनार है। इस सेमिनार में पूरे भारत के विख्यात उलमाए हदीस और मुमताज रिसर्च स्कॉलरों ने भारी संख्या में भाग लिया। जी सर बताएं आज का प्रोग्राम। मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन के
शहादत के उपलक्ष्य में मुहर्रम के ठीक 40वें दिन बाद मुस्लिम परंपरा के अनुसार, धर्म की परंपरा के अनुसार मातम करते हुए परंपरा के अनुसार यहाँ निकाला गया। विगत में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, इस बार त्योहारों का अवसर होने के नाते, बारिश होने के नाते और जिले के क्षेत्र में चुनाव के होने के नाते थोड़ा कम है, लेकिन पूरी श्रद्धा और पूरे जो अखाड़े और उनके जो कर्तव्य हैं और जो ताजिया है वो निकाला गया। पुलिस व्यवस्था भी की गई है, कंपनी की एसी तैनात थी, बाकी सिविल पुलिस उतनी संख्या में नहीं जितना पूर्व के अवसरों पर रहती थी। फिलहाल सत्तर दो हमारे ताजिए निकल चुके, छोटे छोटे और चार ताजिए निकले हुए हैं, इसी देर में वह अपने मतलब की ओर जाएंगे और पूरा हो जाएगा। ये मातम का त्यौहार है, अपने त्यौहार कहना भी ठीक बात नहीं है, एक मातम का जुलूस है जो 40वें के उपलक्ष्य में होता है वो कराया जा रहा है। जी बताएं अपना परिचय दें। आज किस तरह का आप लोग ये ताजिया उठाते हैं? 40वें दिन है, दिन है, चेल मनाया जाता है, पूरी दुनिया मनाया जाता है। किसकी याद में ये मनाया जाता है? मतलब याद मनाया जाता है, मैंने कबला के मैदान में 61 दिन में अपनी कुर्बानी नाम के नाम पर बढ़ा दिया था, उसी की याद मनाया जाता है। आज इसको मनाने से आप लोग क्या संदेश देते हैं समाज में? दुनिया को हमेशा प्रेम का संदेश देते रहते हैं, उठाने से मोहर्रम हो, 40वां, 10वां, 20वां कोई भी। मातम क्यों करते हैं आखिर? मातम का गम मातम करते हैं, मातम गम का होता है। जी अच्छा सर, ये बताइए कि आप यहाँ से भी कितने बजे ताजिए उठाएंगे आप? अब तकरीबन हम यहाँ करीबन 8 बजे उठाएंगे। तब तक दफन हो जाएगा? जी तब तक दफन हो जाएगा। अब तो वो आगे लोग रहते हैं, वो पार्टी के हैं, काजी टोला वाले हैं, मिट टोला वाले हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं पड़ती है। इस पर्व पे आप क्या कहेंगे, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को प्रेम का संदेश देंगे, आपस में भाईचारे देंगे। जी हाँ, लेकिन देश में अभी तो जगह जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, क्या कहेंगे उस पे? इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, ये चीज अलग है, ये तो प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में आदमी भी चलना चाहिए। जी ठीक ठीक।